दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है विश्व निमोनिया दिवस। हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इस गंभीर रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके बारे में लोगों को बताने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। यह दिवस साल 2009 में पहली बार मनाया गया था। इस साल इस दिवस की थीम स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट्स रखी गई है। निमोनिया में व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को संक्रमित कर सकती है, लेकिन बच्चे आमतौर पर इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। निमोनिया होने का मुख्य कारण विषाणु और जीवाणु है। समय से इलाज ना मिलने पर यह बीमारी जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। कोविड के दौरान निमोनिया के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीमारी से साल 2019 के दौरान लगभग 2.5 मिलियन लोग, जिनमें 6,72,000 बच्चे भी शामिल थे, काल कवलित हो गए। भारत में लगभग विश्व के 23% निमोनिया रोगी उपस्थित हैं और इस मामले में मृत्यु दर 14-30% के बीच है। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल।